देखिए आपको तो सारी बातें पता ही है, आज ही सुबह हम दोनों के बीच में ऐसी कुछ चीज़ें हुई है कि अब उन्होंने कहा है कि अब मैं पलट के उस लड़की के पास नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। जो एक स्ट्रगलर लड़की जो एक है, जो 8 साल से स्ट्रगल कर रही है लेकिन कुछ नहीं कर पाई, ज़्यादा ज़्यादा वो छोटे छोटे कपड़ों पहन के पार्टियों में गई है या आदिल के आगे पीछे घूमी है, वो लड़की का नाम लेकर उसे मैं स्टार नहीं बनाना चाहूँगी। इसीलिए वो उसने आदिल को फंसाया है अपने जाल में कि ब्लैकमेल भी कर रही है गंदी गंदी वीडियो से। अब एक बार आदमी आप समझ सकते हैं तो उसके बाद ऐसी वीडियोज़ हैं, वो ब्लैकमेल कर रही है, वो उसको ऐसा लगता है कि मैं बॉलीवुड में आऊँगी और राखी सावंत उसकी बीवी सब वायरल कर देगी तो वो स्टार बन जाएगी। उसको बिग बॉस, हर कोई बिग बॉस के लिए ही जाता है मेरा इस्तेमाल करके, उसको लगता है उसको बिग बॉस में चांस मिल जाएगा, वो लड़की को आदिल के साथ उस लड़की को चांस मिल जाएगा और ये दोनों सुपरस्टार बन जाएंगे। भाई छोटे कपड़े पहन, मैं तो हॉट हॉट और हैपनिंग बॉलीवुड की लड़की हूँ, मेरी मीडिया को पूछ लो, हॉट और हैपनिंग, मेरे से ज़्यादा हॉट लड़की कहाँ मिलेगी आपको। और आप एक कोहिनूर हीरा छोड़ के एक कचरे के पीछे चले गए, वो एक कचरा है एक नंबर की। मुझे जिस जगह जहाँ मिलेगी वो लड़की को मैं चप्पल से मारूंगी, चप्पल से, क्योंकि उसने मेरा घर तोड़ने की कोशिश की है, इसलिए घर तोड़ने की कोशिश की है। तो जहाँ मिली मुझे एड्रेस, तो अभी कल ही एड्रेस मिल गया उसका एड्रेस, वो मेरे ही बिल्डिंग में रहती है भैया, इम्पीरियल हाइट्स में। आपने अपने इंस्टाग्राम पे एक गंदा सा पोस्ट डाला है खुद को शरीफ साबित करने के लिए, जो कि आप है नहीं। आपको लगता है कि मुझे मेरा मुंह और खोलना चाहिए? शट योर माउथ, माफ किया ना मैंने, तो ये जो चार राइटर रखे हो ना तुम पीछे से अपने छवि पॉजिटिव बनाने के लिए, बंद करो, बंद करो। उसके पास बहुत पैसे हैं, पता नहीं कहाँ से आए हैं, चार चार वकील रखे हैं और बार बार जितनी रोटियां नहीं खाता उतनी तो डाइवोर्स की धमकी देता है मुझे। तुम ही, उन्होंने एक पोस्ट किया गंदा सा सुशांत सिंह में, जब ये फ्रिज वाला मैटर जो था, क्योंकि मुझे डर लग रहा था तो मैंने वो फ्रिज वाला मैटर बोला। अब वो बोलते मैं सुशांत सिंह भी हो सकता हूँ। भाई तुम कभी सुशांत सिंह अगले 7 जन्म में नहीं हो सकते,